ओए बल्ले बल्ले, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, गुड़, सर्दियों में अगर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है ना। और जब ये बन जाए ना तो ऐसा लगता है यार कुछ बाहर खाया है, कितना मज़ा आ गया, कुछ डिफरेंट सा खा लिया। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब भी हम घर में मक्के की रोटी बनाती है तो ये बेदर्द आटा अच्छे से नहीं गूंधता है ना। मतलब बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मेरे पास कि मक्के का आटा कैसे गूंधे, तो आज मैंने सोचा चलो यार इसी पे वीडियो बनाते हैं, तो चलें शुरू करें। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू आवर चैनल अपूर्वन। आप भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट ऑल आर नोटिफिकेशंस। सब्सक्राइब कर दो भाई। हाँ तो भाई आटा गूंदना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज मैं आपको कुछ टिप्स के साथ बताऊंगी कि आटा कैसे गूंदते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर राजधानी का जो नॉर्मल मक्की का आटा मिलता है उसको मैंने 2 कप ले लिया है एक बड़े से बर्तन में, और साथ में लिया है गर्म पानी। धीरे धीरे डालते हुए आटे को गूंदना है। देखिए इस तरह से पानी डालें, अच्छे से मिक्स करें, और बहुत ज़्यादा ना टाइट हाथों से, मतलब थोड़े दबे हाथों से गूंदना है। तो बाइंड करने की कोशिश करते हुए इस तरह से दबा दबा के, और इसे थोड़ा सा मसल कर हमें एक डो तैयार करना है। देखिए अच्छे से पानी लें धीरे धीरे करके, और मसल मसल के इसे बाइंड करें। और अगर थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा है ना किसी पे, तो इस पे निकाल देना। देखो इस तरह से बड़ा ही इसको यार बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बस कर लेना अगर स्वाद लेने हैं घर वाले तो। तो आप धीरे धीरे देखेंगे दोस्तों कि ये बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा और ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर पहले थोड़ा हार्ड हार्ड था, लेकिन जैसे ही हम इसे गूंदेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और एक कंसिस्टेंसी देखो इस तरह की बन जाएगी, टूटेगा नहीं है, मतलब बाइंड होने लग जाएगा। तो करते रहो इसे 5 से 10 मिनट के लिए। अब साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि कैसे हम मक्के की रोटी भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से एक गोल ले लें, मतलब थोड़ा सा पेड़ा ले लें, और हाथ की सहायता से इस तरह से जैसे हम क्लैपिंग करते हैं उस तरह से बहुत डेलिकेसी से आप देखेंगे इसको हमें बेलना है। थोड़ा सा पानी लें हाथों में और इस तरह से गोल करते हुए इसको हाथ से ही बेलें। बहुत आसान, अगर आपका आटा परफेक्ट गूंद गया ना दोस्तों तो रोटियां भी बहुत आसानी से बन जाएंगी। और अगर इसके कॉर्नर्स ब्रेक हो रहे हैं तो इस तरह से प्रेस करके इसे ठीक कर लें, और हल्के हाथों से बहुत डेलिकेसी से इसे बेलें। मेक श्योर जब आप रोटी को तवे में डालें तो आपका तवा ऑलरेडी हीटेड हो, आई मीन कि इसकी फ्लेम हाई होनी चाहिए। और जैसे ही तवे पर देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी ये सिक जाए तो आप इसको गैस पर सेक लें। आपकी अगर हाई हीट नहीं होगी या फिर तवा गर्म नहीं रहेगा तो ये रोटी चिपक भी सकती हैं, तो इसीलिए आपको एक ये टिप दे रही हूँ कि तवा ऑलरेडी गर्म हो। और देख रहे हैं आप कैसे फूल रही है रोटी, यही परफेक्ट तरीका है दोस्तों मक्के की रोटी बनाने का। अब आप इसको साग के साथ सर्व कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप आटा गूंदेंगे, रोटी बनाएंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट रोटियां बनेंगी। देखिए उसके बाद दूसरी रोटी भी हम बना रहे हैं। इस तरह से अगर थोड़े क्रैक्स आ रहे हैं तो इसको तवे पर डालकर इस तरह से जोड़ दें और बस फिर सेक लें। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और स्पेशली उनके साथ जिनको सरसों का साग, मक्के की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ शेयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ लाइक। अच्छा ठीक है, अब बाय।